नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं खबरें मध्य प्रदेश। चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज दिल्ली से भोपाल पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि एनडीए की बैठक में यशस्वी प्रधानमंत्री को नामित किया गया है और जिस उत्साह और उमंग के साथ मैं कल की जोर शोर से तैयारी की जा रही है, 9 तारीख भारत के इतिहास का एक नया दिन बनेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि कल मैं पुनः अपने मित्रों के साथ दिल्ली पूरे इस कार्यक्रम के साक्षी भी बनूंगा। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अग्रिम शुभकामनाएं एवं बधाई। जब मीटिंग हुई, यशस्वी प्रधानमंत्री को नामित किया है और जिस उत्साह उमंग के साथ में कल की जोर शोर से तैयारी की जा रही है, कल 9 तारीख भारत के इतिहास का एक नया दिन बनेगा। यह यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार एनडीए के घटक दल के नेता होने के नाते से भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता भी हैं और जिस प्रकार का समय चल रहा है भारत को और आगे बढ़ाने के लिए, एक बार फिर वो तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे और ये देश की आज़ादी के बाद पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री होंगे जो तीसरी बार इतने अच्छे बहुमत के साथ में खासकर भारत को तीसरी आर्थिक ताकत बनाने के लिए और विभिन्न प्रकार के विकास के सारे एजेंडों को आगे बनाने के लिए दुनिया इसका इंतजार कर रही है और हम सब भी इंतजार कर रहे हैं। कल मैं पुनः अपने मित्रों के साथ यहाँ पूरे इस कार्यक्रम का साक्षी भी बनूंगा और इसमें उत्साह उमंग से शामिल भी हुआ। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री को अग्रिम शुभकामना बधाई। भोपाल जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन। मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देशानुसार प्रदेश के समस्त जिलों में 5 जून से लेकर 16 जून 2024 तक जल गंगा संवर्धन अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत भोपाल जिले में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं, जिसमें जल स्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवी के कार्य प्रमुख हैं। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के निर्देशानुसार ग्रामीण और नगरीय निकायों में जल संरक्षण, संवर्धन, स्वच्छता और जीर्णोद्धार कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को बैरसिया के ग्राम नलखेड़ा में जन भागीदारी से तालाब का गहरीकरण कर मिट्टी निकाली गई और ग्रामीणों द्वारा पौधारोपण भी किया गया। उड़ीसा में सरकार बनाने को लेकर मध्य प्रदेश के 3 भाजपा नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी। भोपाल मंत्री विश्वास सारंग, भोपाल सांसद आलोक शर्मा, भाजपा के प्रदेश मंत्री लोकेन पाराशर सरकार के गठन में निभाएंगे महत्वपूर्ण भूमिका। तीनों को तत्काल उड़ीसा जाने के मिले हैं निर्देश। आज शाम उड़ीसा तीनों पहुंचेंगे। तीनों नेता सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों को लेकर निभाएंगे बड़ी भूमिका। बता दें कि उड़ीसा विधानसभा चुनाव में भाजपा ने इतिहास रचा है। दरअसल पहली बार बीजेपी ने विधानसभा की 147 सीटों में से 78 सीटों पर विजय प्राप्त की। आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होने जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री का नाम भी तय होने की पूर्ण संभावना है। इंदौर में हुआ विश्व पोहा दिवस का आयोजन। विश्व पोहा दिवस के मौके पर स्वच्छता और स्वाद की राजधानी इंदौर में राजवाड़ा पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, विधायक रमेश मेंदोला, महापौर पुष्प मित्र भार्गव सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि इस प्रोग्राम में शामिल हुए। इस अवसर पर विजयवर्गीय ने कहा कि इंदौर अपने स्वाद के लिए पूरे देश में जाना जाता है। इंदौर का पोहा पूरे देश में मशहूर है, लेकिन अब हम विश्व पोहा दिवस के जरिए इसकी ब्रांडिंग करेंगे। निकट भविष्य में विश्व पोहा दिवस का आयोजन बड़े पैमाने पर किया जाएगा। शहर के प्रमुख बाजारों में कार्यक्रम होंगे। पिज़्ज़ा और बर्गर को लेकर विजयवर्गीय ने कहा कि ये सेहत के लिए ख़राब हैं, जबकि हमारा पोहा कोई भी शरीर को नुकसान नहीं करता है। भोपाल के बिट्टल मार्केट ग्राउंड में केरल फेस्ट का हुआ शुभारंभ। भोपाल के बिट्टल मार्केट ग्राउंड में शुक्रवार 7 जून को केरल फेस्ट का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मंत्री विश्वास सारंग और विधानसभा प्रमुख सचिव एपी सिंह ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। उत्सव की शुरुआत केरल के पारंपरिक मथुरा मृथम से की, जिसने भोपाल के लोगों को दक्षिण राज्य की जीवंत संस्कृति का अनुभव कराया। इसके बाद थैयम नृत्य, कचिपुड़ी सहित विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। 3 दिवसीय सांस्कृतिक एवं रंगारंग कार्यक्रम का समापन 9 जून रविवार को
किया जाएगा। जुड़े रहिए खबरी के साथ, क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नजर।